प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामचरितमानस के पाठ करने जा रहे हैं। आप साथ में पढ़े भी और सुने भी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करितार, संत हंस गुण पई संत हंस गुण गई पै परिहरि बारी विकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। विधाता ने इस जड़ चेतन को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जी मिले ही, दली दुख दोष बिमल जो सुदे ही। खलऊ करही भले पाई सुसंगु, मिटैनम मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सुबेश जग बंजक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होइ निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो बेसधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सब बेस बनाए देकर बेस के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता है। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हल हुआ। कि वे कुबेश साधु शन मानु, जिमि जग जम जाम वंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, ले लोकहु भेद विदित सब काहू। बुरा बेस बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम नाम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंग अतिकार के होई, लिखी पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनल संगाता, होई जल दे जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही को होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्त जग, लखई सुलंचन लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। इसमें तुलसीदास जी ने सत्संग का प्रभाव यानी संगत का प्रभाव बताया। जय श्री राम।